गुवाहाटी से दिल्ली जाने वाली अवध असम एक्सप्रेस में एनसीसी छात्राओं से चलती ट्रेन में सरफराज नाम का एक मनचला बस सलूकी कर रहा था। दरअसल न्यू जलपाईगुड़ी से एनसीसी की 40 छात्राओं का जत्था भी आ रहा था। ये जत्था गोरखपुर का था। उनके साथ एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर नीता तिवारी सफर कर रही थी। मनचले को लगा कि इस जत्थे में केवल लड़कियां हैं और इसीलिए उसने बदतमीजी शुरू कर दी और गंदे गंदे गाने गाने लगा। मनचलों की इस हरकत पर लड़कियां और उनके साथ महिला अधिकारी ने मिलकर उनकी जमकर धुनाई कर दी। देखिए पिटाई के बाद कैसे माफी मांगने लगा मनचला। हमारी लड़कियों को तुमने सोचा विंटर, तुम लोग मैम ये लड़का बदतमीजी कर रहा था लड़कियों के सामने भद्दे भद्दे गाने गा रहा था। माफ कर दिया मैम, माफ क्या कर दी, एक लाख दूंगी। सोच रहा था हम अकेली लड़कियां हैं, हमारे साथ एक स्टाफ है, 40 लड़कियां हमारे साथ, 6 में 35 लड़कियां, हम लोग आ रहे हैं वहाँ से जलपाईगुड़ी से गोरखपुर जाना है। गोरखपुर अच्छा ठीक है, माफ कर दे मैम। नहीं कटिहार स्टेशन से सरफराज के साथ 4-5 मनचले लड़कियों को परेशान कर रहे थे, लेकिन जब लड़कियों ने मिलकर मनचलों की धुनाई की तो उनके अक्ल ठिकाने आ गए। जैसे ही खगड़िया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो आरपीएफ और जीआरपी ने मनचलों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद सही सबक मिलते ही मनचला गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगा। हमारी लड़कियों को तुमने सोचा विंटर, तुम लोग मैम छेड़खानी और बदतमीजी की हरकतों पर किसी भी लड़की को खामोश नहीं रहना चाहिए, बल्कि मनचलों को सबक सिखाना चाहिए, तभी जाकर ऐसी घटनाएं रुकेंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए खगड़िया से अमित कुमार की रिपोर्ट। शनि काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे, गुरु किसका भाग्य संवारेंगे, कैसा रहेगा राहु का गोचर, मंगल से किसे लगेगी ठोकर, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।